हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दिव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिजलिंग दिव्या। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये प्यारा सा व्लॉग, और ये नवमी वाले दिन का है। नवमी वाले दिन मैं दुर्गा पूजा पंडाल गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ का, जो भी बंगाली कल्चर में होता है। तो मैंने सारी चीज़ें देखी एंड बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये जो पंडाल था बहुत ही अच्छी थीम से सजाया गया था, लाइक गुजराती थीम थी कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से जो पंडाल है उसका लुक लग रहा है। और दुर्गा माँ है, और उनके राइट साइड लक्ष्मी माँ है एंड लेफ्ट साइड सरस्वती माँ है, और गणेश जी हैं। तो यहाँ पर जो पंडाल है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये सब आप देख सकते हो, आरती वगैरह हुई थी सुबह, तो प्रसाद का टाइम था, तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह सब मिल रहा है। और मैं आपको पूरा लोकेशन दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो झूमर वगैरह लगे हुए हैं, एंड डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पंडाल में। और बहुत सारे लोग भी थे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जा रही हूँ दर्शन करने माँ के। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ माँ को प्रणाम करने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने प्रणाम किया, एंड देन यहाँ प्रसाद मिल रहा था जो कि फल वगैरह का था, तो वो खाया हमने। और यहाँ का जो मेन प्रसाद होता है वो होता है भोग, जिसको आप देखोगे यहाँ पर खिचड़ी होती है, उसके साथ कुछ लाबड़ा होता है और भाजा होता है मिक्स वेज से, मतलब आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आप माँ को देख सकते हो, माँ भोग खा रही थी, और मैं आपको पूरा एक बार भोग दिखाती हूँ क्या क्या होता है भोग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लाबड़ा है, एंड यहाँ पर ये खिचड़ी है, और साथ में ये भाजा है, तो और खीर भी हमें मिली थी जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी थी। तो इतना अच्छा भोग था कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना डिलीशियस कि मतलब होता है ना कि भंडारा और ये जो भोग वगैरह का प्रसाद होता है ना, इसका टेस्ट मतलब इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप किसी भी बड़े से बड़े होटल की डिश खा लो, लेकिन इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये अलग ही लेवल का इसका टेस्ट होता है। तो आप सब में किस किस को भंडारे का प्रसाद पसंद है, भोग पसंद है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इंजॉय कर रही थी अपना भोग, और बहुत ही मज़ा आई। बस थोड़ी सी गर्मी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो गई थी, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने। और मेरा फर्स्ट टाइम मैंने भोग खाया था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भोग खाने के बाद। और दशमी वाले दिन यहाँ पर बता रहे थे कि सिंदूर खेला वगैरह कुछ होता है इनकी बंगाली कल्चर में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे लोग एक साथ बैठकर भोग खाते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप एक साथ बैठकर, जैसे हमारे यहाँ भंडारा हम लोग खाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से भोग सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया यहाँ पर। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।